मैं हूं प्रोफेसर सीए रोहित श्रॉफ और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 21 का सीए फाइनल का पेपर नंबर 3 दैट इज एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब हम पेपर डिस्कशन में आगे बढ़े कुछ भी करें उसके पहले देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू मेक। ये जो लेक्चर देख रहा होगा, ये जो वीडियो देख रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग काफी सारे स्टूडेंट्स नवंबर 21 के होंगे एंड काफी सारे स्टूडेंट्स इवन आफ्टर नवंबर 21। इस पेपर से हम कुछ और डिटेल में सीखें उसके पहले सबसे पहली चीज क्या सीखने की जरूरत है। अगर कोई पेपर डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, आई एम नॉट कमेंटिंग वेदर दिस पेपर वॉज ईजी मीडियम डिफिकल्ट, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है एंड आई एज अ प्रोफेसर मैं सुबह शाम यही पढ़ाता रहता हूँ, तो मैं कह दूंगा अरे यार ये ईजी था, तो डैट वुड नॉट बी यू नो जस्टिफाइबल। तो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्ट, तो ये ईजी डिफिकल्ट मैं नहीं कहना चाहता, बट वट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हमारा पेपर जैसे भी जाता है, हमें डिफिकल्ट लगता है, हमें लगता है हमें अच्छे मार्क्स आएंगे या हमें लगता है बुरे मार्क्स आएंगे, वो पेपर ख़त्म हो चुका है। फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर। इस पेपर के वक्त जुलाई 21 के वक्त अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि सर पेपर डिफिकल्ट लगा, अब हमको पता नहीं कि अगला पेपर दे के ना दे, हमसे अच्छा जाएगा कि नहीं होगा, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, अरे इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ ही क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा पेपर निकाला, क्यों ऐसा हुआ। भाई फ्रेंड्स, पेपर हो चुका है तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्रिपेयर फॉर योर पेपर 4। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेपर 3 के बारे में डिस्कस करके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेपर 3, कोई भी पेपर 1 अगर आपका ओके जाता है दैट इज ओके, फोकस इन योर पेपर नंबर 2। पेपर 2 ओके जाता है दैट इज ओके, फोकस इन योर पेपर 3। आई सॉ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो उसी दिन बस बैठ गए लोगों के साथ डिस्कस करने के पीछे, यूट्यूब लेक्चर्स देखने बैठ गए पेपर एनालिसिस के ऊपर। डू नॉट डू दैट, फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर, ये बाकी सारी चीजें बाद में हो सकती है। सेकेंड, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में यूजुअली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी बन चुकी है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, उसमें भी बस प्रोनाउंसमेंट करेंगे, ये वो करेंगे, इतना सारा चीज़ें करेंगे, बट लेकिन बाकी के जो अदर चैप्टर्स है उसे छोड़ देंगे। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, आई वॉज शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ माई वॉइस के प्लीज़ अदर चैप्टर्स को करो, एक अटैम्प्ट आएगी जहाँ पर उसी में से इतने सवाल पूछे जाएंगे और यू विल फेस डिफिकल्टीज। इनफैक्ट ये जब पेपर आया तो जो मेरा करंट रेगुलर बैचेस चल रहे थे दे टेक्स्टेड मी कि सर आई टोल्ड माई सीनियर्स एज वेल कि प्रोफेसर आर सेइंग कि फोकस ऑन अदर चैप्टर्स उसमें से आएगा, बट स्टिल दे डिड नॉट डू। तो प्लीज़ यू ऑल डू नॉट डू द सेम थिंग, सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट और प्रोफेशनल एथिक्स से, इससे हम इस पेपर में क्रांति नहीं ला सकते। हाँ, ये हमारा इन अ वे ब्रेड एंड बटर है कि ये 3 चैप्टर्स करके हम अच्छा खासा मैनेज कर सकते हैं कि स्कोर बढ़ा सके, बट सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करके अगर आप सोच रहे हो कि आप पास हो जाओगे, एग्जेम्पशन आएगा, रैंक आएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट व्हाट आई मेंशन वाज कि पहला पेपर हमारा जैसे भी जाता है, मेक श्योर यू मेंटेन पॉजिटिविटी एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर, जो बीत चुका है वो बीत चुका है। सेकेंडली, हम प्रिपेयर करते वक्त फॉर एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स यू विल नॉट ओनली हैव टू फोकस ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट एंड प्रोफेशनल एथिक्स, बट ऑन अदर चैप्टर्स एज वेल। मैं तो सजेस्ट करता हूँ अदर चैप्टर से प्रिपरेशन शुरू कीजिए, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप स्टैंडर्ड्स को, प्रोफेशनल एथिक्स को कदापि ऑप्शन में छोड़ोगे नहीं। थर्ड, अब जो भी मटेरियल कर रहे हो उस मटेरियल के साथ एटलीस्ट 6 to 7 अटेम्प्ट्स के RTPs और MTPs आर मस्ट। तो अगर आप RTPs और मॉक टेस्ट पेपर्स को नहीं देख रहे हो तो समवेयर गलती कर रहे हो, एंड ऑल्सो जो भी सारे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन दिए होते हैं एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल, हम जैसे ही पेपर डिस्कस करेंगे आप देखोगे कि कितने सारे सवाल थे जो कोई ना कोई MTP में आए हुए हैं, कितने सारे सवाल थे कोई ना कोई RTP में है, कितने सवाल है जो टेस्ट योर नॉलेज मतलब स्टडी मटेरियल में, इनफैक्ट अपडेटेड नोट्स में से भी नहीं, May 20 की जो मॉड्यूल्स थे उसमें भी ये क्वेश्चन थे, तो उसमें से आए हुए हैं जिसको हम काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए, एटलीस्ट इतनी चीज़ कीजिए। आई डो नॉट एक्सपेक्ट यू कि आप 10 अटैम्प्ट 12 अटैम्प्ट के RTPs या MTPs करो, बट एटलीस्ट 5 to 6 अटैम्प्ट के RTPs, MTPs और मॉड्यूल के पीछे दिए हुए सारे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन तो आपके मस्ट होने चाहिए। अब ये जो हमारा पूरा पेपर डिस्कशन है, इट इज़ मेनली फोकसिंग अबाउट वॉट 84 मार्क्स 88 मार्क्स जो भी हमारा है, हम ऑब्वियसली MCQs के बारे में नहीं डिस्कस कर पाएंगे बिकॉज वो इंस्टीट्यूट हमें नहीं दे पा। तो अगेन आई वुड नॉट कमेंट के MCQs ईजी थे या डिफिकल्ट थे, ठीक है, तो इट इज़ अगेन वेरी सब्जेक्टिव, काफ़ी सारे लोगों को थोड़े आसान लगे, काफ़ी सारे लोगों को मीडियम लगे, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफिकल्ट भी लगे,
बट जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो नवंबर 21 का है, मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इसे सुनो मत, ठीक है भाई। ये रेडियो एफएम नहीं बज रहा है, यहाँ पे आस्था चैनल नहीं चल रहा है, अपन रोहित श्रॉफ कोई प्रवचन नहीं दे रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार इफ यू आर डन विद द पोर्शन, रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू इंटरप्रेट, एटलीस्ट शॉर्ट में लिखो अपने हाथ से कि अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे 250 के पॉइंट्स आने चाहिए थे, अच्छा कारो के पॉइंट्स आने चाहिए थे, अच्छा एक एक लाइनर में लिखो तो सही कि दिस आर द पॉइंट्स जो यहाँ पे आने चाहिए थे। एंड फिर जाके ये वीडियो देखो और देखो कि तुम कितना कहीं सही तरह से इंटरप्रेट करके अपने आंसर्स यहाँ पे दे पा रहे थे, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू इवेल्युएट योरसेल्फ। ऑब्वियसली इसके बाद और भी आगे जाके सजेस्टेड आएंगे, तो हम इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा भी करेंगे जब सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा, ठीक है। बट तभी हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी एटलीस्ट एक बार इवेल्युएट योरसेल्फ कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस पेपर इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज अपियरिंग फॉर नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स वाली एग्जाम। Because you will realize कि सिर्फ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो बेसिक जो आप ऐसे 500, 200, 600 करके जाते हो, उससे सिर्फ अगर आप सोचते हो मार्क्स आ जाएंगे तो नहीं आएंगे। सो लेट अस बिगिन विद अ डिस्कशन ऑफ जुलाई 21 सी ए फाइनल पेपर डिस्कशन, दैट इज योर पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब यहाँ पे हम देख तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, see I would not say it was very easy, ठीक है, do not get offended if I say so। काफ़ी बार ऐसा लगता है यार भाई तू तो प्रोफेसर है, तेको तो लगता है भाई सब कुछ ईजी है। सी नॉट दैट वे, इफ आई कंसिडर इफ आई वॉज अ स्टूडेंट कंपेरेटिवली क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजेबल था, जहाँ पे हम अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाते। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा वो पूछ लिया ऐसे 200 के बेसिस के ऊपर, जहाँ पे वो लोग ने हमें पूछ लिए इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट और फ्रॉड के थोड़े पार्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पूछा जाता था, इंटर सी ए लेवल पे। इट इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो ऑल द स्टूडेंट्स हू हैव स्टडीड विद मी एट इंटर लेवल, और इनफैक्ट कोई स्टूडेंट इंटर वाला भी पढ़ रहा है तो उसे भी पता रहेगा कि ये बेस इनहेरेंट लिमिटेशन जो है वो बेसिक क्वेश्चन है इंटर सी ए के लिए। बट पहली बार कहाँ पे पूछा गया, फाइनल सी एल लेवल पे। तो यहाँ पे हमें इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में लिखना था, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ फ्रॉड उसके बारे में लिखना था। तो हमारे सिमिलर कंसेप्ट्स कवर हो चुके हैं, कहाँ पे हमारे जेकेसी बुक में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आई एम रिफरिंग टू विच बुक्स, कलर बुक्स, ठीक है। तो आपको कलर बुक्स में दो बुक दी गई थी, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2, एंड उसी के साथ आपको एक समरी नोट्स दी गई थी। तो यहाँ पे मैं जो रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ मैं कौन सा दे रहा हूँ, जो मेन दो बुक्स थी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेज 9 पे आपको इनहेरेंट लिमिटेशन जैसे 200 की चीज़ें मिलेगी एंड 240 के फ्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे समवेयर इन दिस क्वेश्चन दैट वाज व्हाट वी वर सपोज टू राइट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 1B के साथ। तो अब ये जो 1B वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू एंड देन आई विल कम टू द डिस्कशन पार्ट। ABC हैज बीन अ डीलिंग इन टायर सिंस 1995। The company envisaged to expand its business and wanted to manufacture the tires besides trading. Accordingly, the machine was imported, installed, and manufacture operations commenced. ठीक है, सारी basic चीजें। The government also gave certain incentives like power subsidy, land acquisition subsidy, etc. After 2 years of the operation, company received a notice from the income tax authorities to pay a tax on incentive received in a form of power subsidy. तो जो सब्सिडी मिली थी इसके ऊपर टैक्स मांग रहे हैं। द डिमांड नोटिस वॉज सर्व फॉर 150 लाख, ठीक है। द कंपनी हाउएवर फाइल्ड एन अपील विद द हायर टैक्स अथॉरिटीज अगेंस्ट द डिमांड एंड द मैटर इज व्हाट अनडिसाइडेड ऑन 31st of March। लीगल टीम ऑफ द कंपनी एंटिसिपेटेड द टैक्स लायबिलिटी माइट मैच्योर, द कंपनी हैज नॉट मेड द प्रोविजन एंटिसिपेटेड फॉर द टैक्स लायबिलिटी कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। How an auditor of the ABC Limited should see this matter and report in the report if required. तो यहाँ पे वो लोग कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे थे, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आना चाहिए था, योर आंसर शुड हैव बीन व्हाट, कारो का क्लॉज 7 जो हम काफी अच्छे हल तक डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ सिंस दे हैड आस्क्ड यू कंपनीज एक्ट 143 को भी, 143(3) के जे को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और एक छोटा सा पॉइंट ऐसे 250 के बारे में भी अगर आप लिख के आते हो तो यस इट वुड मेक अ पॉइंट।
ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन था, जैसे कि आप देख सकते हो एमटीपी में, ठीक है, मई 19, मई 18, नवंबर 18 में बार बार लगातार सिमिलर क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था, ठीक है, जहाँ पे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि एकदम नया क्वेश्चन था या एकदम अमेंडमेंट वाले से वैसे आया था, बट दिस वॉज कंपेरेटिवली मैनेजेबल। वन सी, भले प्रोफेशनल एथिक्स का था बट लेकिन उन्होंने ये चीज़ निकाली थी अमेंडमेंट में से, तो अगर समझो आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि आपने दिक्कत फेस की। तो CAR, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, इज स्पेशलाइजिंग इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ही इज कंसिडरिंग टू बी वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ हिज कमांड ओवर द सब्जेक्ट। HKC लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन रेंडरिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑफर्ड हिम टू अपॉइंट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो भाई यहाँ पे हम MD हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बस वही सारी चीज़ों के बारे में, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 के बारे में छोटे से अमेंडमेंट आए थे जो हमने पढ़े भी थे। अगर आप जाओगे हमारी अमेंडमेंट नोट्स, जो पूरी 130 पेजेस की अमेंडमेंट नोट्स थी, उसके अंदर हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। तो ये एक भले प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था जो यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत ईजी लगता है, बट समवे दे पिक्ड अप दिस फ्रॉम द अमेंडमेंट नोट्स। तो अगर ये आपने अमेंडमेंट नोट्स नहीं की होगी तो यस, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A। अब क्वेश्चन नंबर 2A पूरा का पूरा भाई दिया गया, जहां पे पूरी की पूरी चीज बताई गई, बट दे वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है, देयर वाज सम मटेरियल अनसर्टेनिटी अबाउट द गोइंग कंसर्न। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्लीटली बाहर से पूछा गया है, स्टडी मटेरियल में, इनफैक्ट नई वाली भी नहीं, मई 20 की जो पुरानी स्टडी मटेरियल थी उसमें भी टेस्ट योर नॉलेज में ये दिया गया था। तो समवेयर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से ही ये सवाल आया है, और इसके बारे में मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो हमें क्या करना है, हमने हमारी समरी नोट्स में भी इन डिटेल डिस्कशन किया है। वॉल्यूम 1 में भी जाओगे तो पेज 155 पे इसे पाओगे। फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, मिल्क लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, कर्ड, पनीर एक्सेट्रा। गवर्नमेंट मेड सर्टन चेंजेस इन द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू दिस सेक्टर। Consequently, management decided to go for expansion. Management was looking for some financial investor who can fund some part of the proposed expansion. Mr. X is interested in the venture and appoints you to act as an advisor to the proposed investment in the business of milk. You are to investigate the audit of financial statement and ensure that the valuation of shares of the company on the basis of the audited financial statement is appropriate. तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, तो अब हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया है और हमें देखना है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन का पूछना है, ये एक पुरानी एमटीपी में भी पूछा गया था, दैट वाज फ्रॉम एमटीपी नवंबर 2016, ठीक है, तो काफ़ी पुराने उसमें से। व्हाई आई एम गिविंग यू दिस रिमार्क्स, कि कहाँ से आया था, क्यों आपको ये रियलाइज हो कि हमें पढ़ते वक्त क्या करना पड़ेगा, हमारी नोट्स करनी पड़ेगी, साथ ही साथ हमें RTPs करने पड़ेंगे, हमें MTPs करने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, तो वी नीड टू कवर ऑल दोज थिंग्स एज वेल। फिर क्वेश्चन नंबर 2C की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पूछा गया था कहाँ से, फिस्कल ऑडिट में, फिस्कल टैक्स में से। तो RB लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ इंजीनियर गुड्स। टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 31st of March वॉज 150 crores। During the year 1890, the company claimed a deduction of bad debts amounting to 100 lakhs while filing the income tax return. However, during the financial year 2021, the company was able to recover only 75 lakhs from Mr. X through the legal means and correctly credited to its profit and loss account. As in tax advisor, it is required to report such transaction under the tax audit report under the Income Tax Act 1961. So yes, ye hame report karna hai. Ye is cheez ko hum kahan pe report karenge? Under clause 25. To ye hamara jo form 3CD hai, uske under clause 25 mein iski reporting aayegi. Then moving ahead to question number 3A. अब ये उन्होंने वापस क्या कर दिया है ना, समवेयर इंटर CA लेवल का क्वेश्चन उठा लिया, जैसे क्वेश्चन 1A में उन्होंने किया था, 1A में ऐसे 200 का जो बेसिक क्वेश्चन हुआ करता था, इनहेरेंट लिमिटेशन जो इंटर CA में आता था। लाइकवाइज यहाँ पे 3A में भी वो लोग ने क्या कर लिया है कि 600 में से, क्या ऐसे 600 में से इंटर CA वाला क्वेश्चन यूज किया है कि व्हाट फैक्टर्स
will be considered while you be accepting the position as a principal auditor. तो अब कौन से factors का ध्यान रखोगे? तो वापस a very basic question जिसको हम काफी बार at final CA level क्या कर देते हैं, ignore कर देते हैं. तो it was again a very frequently asked question at the inter-CA level जिसे वो लोग ने final पे repeat कर दिया. Next, Mrs. GH and Associates have been appointed as central statutory auditors of BNB Bank Limited, a nationalized bank headquarters in New Delhi, for the financial year 2021. Bank functions in an automated environment, okay, using FLC software. While preparing the audit report, one of the partners highlighted that some matters covered by the Companies Act 2013 and the requirement of the Companies Auditors Report Order 2016, that is CARO. तो यहाँ पे कारो की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, तो बस वही सारी चीजों को यहाँ पे देना है, ठीक है. तो कंपनीज एक्ट के बारे में, कारो के बारे में यहाँ पे लिख के आना है, ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग अहेड टू व्हाट, फिस्कल ऑडिट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3C देखोगे तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, अप्रैल 21 की एमटीपी में से, एकदम ताजा ताजा अप्रैल 21 में एमटीपी में दिया और तुरंत ही जुलाई 21 में आपके पेपर में दे दिया. इससे ज्यादा इंस्टीट्यूट कुछ आपके लिए फेवर नहीं कर सकती. तो नो डाउट एक अनोखा क्वेश्चन था, एक नया क्वेश्चन था, बट समवेयर उन्होंने आपको एक झलक दिखला दी थी कहाँ पे, आपके अप्रैल 21 के एमटीपी में. सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता था कि अगर समझो ऑडिट जीएसटी के लिए, ठीक है, अगर कोई रिकमेंडेशंस देता है तो क्या मैनेजमेंट को मानने की जरूरत है? नहीं तो मैनेजमेंट, मतलब वहां पे इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन देम कि अगर ऑडिटर कोई रिकमेंडेशन दे तो उन्हें वो फॉलो करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4A. ओके, दिस वाज अ मैनेजेबल क्वेश्चन. आई होप आपको सारे स्टूडेंट्स जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उन्हें भी आया, और जितने स्टूडेंट्स नवंबर 21 के हैं और प्रोबेबली एग्जाम्स आफ्टर दैट, और जिन्होंने ये खुद पेपर ट्राई किया, दे वर आल्सो इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई कि इसका आंसर क्या आएगा. तो विनीत एंड एसोसिएट्स हैव बीन ऑफर्ड द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ टीएलपी लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सीएवी, अ पार्टनर ऑफ द फर्म, कम्युनिकेटेड विद द प्रीवियस ऑडिटर इंक्वायरिंग एज टू वेदर एनी प्रोफेशनल रीजंस एग्जिस्ट for which he should not accept the same audit assignment. Previous auditor informed that he issued a qualified report. So the management is changing the audit. Comment with reference to the provisions of the Chartered Accountants Act. तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं क्लॉज 8 में ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में कि हम प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे. देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे अगर समझो देर आर फ्यू रीजंस, जो रीजंस हमें दिए जाएंगे तो इन दैट केस वी विल नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट. बस वही सारी चीज़ें हैं. तो वो सारी चीज़ हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं, हमारे क्लॉज 8 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो आपको आई एम श्योर पार्ट 1 तो आपका वो भी फर्स्ट शेड्यूल द फेवरेट होता है. तो दिस यू वुड हैव मैनेज्ड. क्वेश्चन नंबर 4B. ओके, दे हैड आस्क्ड अबाउट व्हाट, विसल ब्लोअर पॉलिसी. किसके बारे में? विसल ब्लोअर पॉलिसी. तो यस, अगर ये पढ़ा नहीं होगा तो यस कंपैरेटिवली थोड़ा क्या लगा रहेगा डिफिकल्ट, बट लेकिन ये इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में क्या करके दिया था, हाईलाइट करके दिया हुआ था, ठीक है. तो समवेयर इट वॉज एक्सपेक्टेड कि अभी नहीं तो बाद में ये कहीं ना कहीं पे आने की संभावनाएं थी. तो ये क्या था हमारा, विसल ब्लोअर पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर फोर सी क्या कहता है? CA Gudia has been appointed as management auditor of XYZ Limited. The principal reason for her appointment is that current managerial decisions are not up to the mark, especially in relation to the investment made by the company. The company is going to make huge investment in one of the ventures identified. Management auditor was required to ensure that the systems and the procedures of the company are working efficiently and meeting the requirements. अब बस यहाँ पे पूछा गया है, क्या गया है, व्हाट आर द एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड बाय सीए गुड़िया टू डिटरमाइन दैट द सिस्टम्स एंड द प्रोसीजर्स आर मीटिंग द करंट रिक्वायरमेंट. तो अब हमें मैनेजमेंट ऑडिट करना है, बट इसका करना है सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स का. इसका सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स का. तो ये सेम चीज अगर आप देखोगे तो बुक में भी है, एंड एट द सेम टाइम ये सेम चीज इंस्टीट्यूट ने कहाँ पे दी है, हमारे स्टडी मटीरियल में. अब कंसिडरिंग दिस क्वेश्चन, वापस काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ये जो अदर चैप्टर्स हैं हम उसमें से काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. तो समवेयर दिस पेपर इज़ एन आई ओपनर फॉर अस कि हमारे मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने जो भी चीज़ दी है
हमें हर एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा, महत्व देना पड़ेगा, हर एक आंसर को ध्यान से देखना पड़ेगा और उसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ निकाली कहीं जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं थी। दिस वर पार्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल, बट लेकिन सिंस बहुत ज़्यादा बार ये पूछा नहीं जाता था तो स्टूडेंट्स उसे ओवरलुक कर देते हैं। ठीक है, तो कंपेरेटिवली शायद ये आंसर भी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इट इज़ अगेन अ सिंपल क्वेश्चन विच इज़ टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट। ठीक है, जो आई एम श्योर यू वुड बी इन अ पोजिशन टू मैनेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5B की हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है अबाउट SQC एज वेल एज SA-220 के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसके बारे में लिखना था, SA-220 एंड SQC-1। नेक्स्ट 5C के बारे में हम बात करें तो अब ये एक जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन वापस नया वाला क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन अगर वापस स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा तो येस आई अग्री, कंपेरेटिवली इट वॉज अ न्यू क्वेश्चन। तो GSB लिमिटेड इज इन टू द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द लास्ट पास्ट 25 ईयर्स। मैनेज ऑफ द कंपनी केम टू नो दैट बिल्डिंग मटीरियल सेंड टू कंस्ट्रक्शन साइट्स आर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी, वेयर एज द पेमेंट्स रिलीज्ड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी आर ऑन द हायर साइड। फॉरेंसिक ऑडिटर वॉज क्वेस्टेड टू कैरी आउट द डिटेल इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक ऑडिटर कंप्लीटेड हिज इन्वेस्टिगेशन एंड नाउ प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट। वॉट आर द ब्रॉड एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपोर्ट ऑफ द फॉरेंसिक ऑडिटर। तो इसके लिए आपको एक बार सब स्टडी मॉड्यूल रेफर करनी पड़ेगी जिसमें क्या लिखा होगा कि हमारे फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6A। अब ये जो है वापस हमारे जो स्टडी मॉड्यूल है मई 20 की, उसमें से पूछा गया है, ऐसा भी नहीं है अपडेटेड अमेंडमेंट में से पूछा गया है। एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कि अकाउंटिंग कंट्रोल्स को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देन व्हेन वी मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6B, ये एक नया क्वेश्चन है जो ये लोग ने कहाँ से निकाला है, प्रोनाउंसमेंट में। इफ यू गो टू प्रोनाउंसमेंट पैरा नंबर 51, तो यस आपको वहाँ पे पैरा 51 में ये पर्टिकुलर पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो अगर समझो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, तो यू विल हैव टू रिफर योर पैरा 51 ऑफ द प्रोनाउंसमेंट। तो लेट मी रीड आउट दिस क्वेश्चन हियर फॉर यू। CAS हैज बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ SRT लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। द कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर अंडर ऑडिट प्रिपेयर्ड वन एडिशनल प्रॉफिट एंड अ लॉस अकाउंट that disclosed specific items of expenditure and included the same as an appendix of the financial statement. CAST has not been able to understand and this as the profit and loss account is not covered under the applicable financial reporting framework. Guide him as how he should deal with the issue while reporting on the financial statement of SRT Limited. तो बस यहाँ पे इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल था कि यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है तो हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैब इंश्योरेंस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of July। कंपनी इज मेनली इन द एरिया ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्लानिंग टू एक्सपैंड इन अदर फील्ड्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज CFO ऑफ द कंपनी। The company has made investment as per the guidelines in the real estate investment property and equity research and derivatives. Guide CFO as to the same should be valued. तो अब हमें derivatives और सारी चीज़ की जो equities और सारी चीज़ है उसका valuation करना है as per the insurance company. अब ये same चीज़ अगर हम जाएंगे तो हमें study module में in detail कहाँ पे दी गई है 10.32 में। अगर आप अपने volume 2 में जाओगे वहाँ पे भी page 89 पे भी आपको इसके content मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो पार्ट पूछा गया है वहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है जो हम बहुत बार करते थे क्लॉज 6 के बारे में। आज तक इसके बारे में कोई सवाल आया नहीं था बट लेकिन हम लोग इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करते थे हमारे लेक्चर में। तो अगेन ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन कंपेरेटिवली आई एम प्रिटी श्योर स्टूडेंट्स को आसान लगा रहेगा। इट इज़ अबाउट द क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल। तो यस देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस इन द होल पेपर जो थोड़े बहुत नहीं थे, काफ़ी जगह पे वो लोग ने प्रोनाउंसमेंट से भी पूछा था, काफ़ी सारी चीज़ें को इंटरप्रेट करना मुश्किल था, बट स्टिल द पेपर वॉज प्रिटी मच मैनेजेबल। आई वुड नॉट से वेरी इजी टू गो बट आई वुड नॉट से वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नवंबर 21 स्टूडेंट्स या उसके बाद वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं,
तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ना कीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिफर द RTPs, यू विल हैव टू रिफर द RTPs ऑफ एटलीस्ट 6 अटेम्प्ट्स, यू विल हैव टू रिफर द MTPs ऑफ एटलीस्ट 6 अटेम्प्ट्स। अपने मॉड्यूल के पीछे के टेस्ट योर नॉलेज वाले सारे क्वेश्चन कीजिए एंड ओनली देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू गो फॉर योर पेपर्स। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि नहीं बस हमने सिर्फ लेक्चर देख ली है और हो जाएगा, नहीं, यू विल हैव टू रिफर दिस कंटेंट एज वेल। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द लाइव लेक्चर्स नाउ ऑन जूम विद अस, हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स बैठ रहे हैं उसे पता होगा कि मैं RTPs मई 2018 से लेके अब तक जितने जो भी हमारे रीसेंट अटेम्प्ट होती है सारी RTPs हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट कि आप ये सारे मटीरियल्स को भी साथ ही साथ लीजिए। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन फ्रॉम आर एंड, जुलाई 21 के पेपर में क्या आया हुआ था। इसके बाद भी हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे वंस इंस्टीट्यूट कम्स आउट विद द सजेस्टेड आंसर, हम और डिटेल एनालिसिस देंगे। ये एक हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पिकआउट किए गए थे। इट वाज काइंड ऑफ एन आई ओपनर फॉर एवरी स्टूडेंट टू रियलाइज कि सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट और प्रोफेशनल एथिक्स करके जाने से हम सी ए फाइनल के पेपर को क्लियर कर देंगे नहीं, तो हमें बाकी के सारे चैप्टर्स को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा। With this, I finally put an end to our discussion of this particular paper. Thank you very much. See you all sometime soon. Suggested answer आने के बाद हम उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे और जैसे भी नई चीज़ें आती जाएगी हम उसके लिए भी आपको YouTube पे लेक्चर्स देते जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट्स है, यू कैन गेट इन टच विद अस, यू वी हैव ऑल द डाउट्स कॉलिंग मैकेनिज्म्स, आप WhatsApp हेल्पलाइन पे आ सकते हो एंड इफ़ यू आर अ JKSE स्टूडेंट यू ऑलरेडी हैव द Zoom डाउट सॉल्विंग सेशंस। मेक श्योर जो भी आपको डाउट्स है आप पूछ लीजिए, बिकॉज आप डाउट भूल जाओगे बट इंस्टीट्यूट भूलेगा नहीं एंड दे विल कम अप विद दैट डाउट इन योर क्वेश्चन पेपर और तब अफसोस रह जाएगा। तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। थैंक यू वेरी मच।